the arrival at Red Fort, the Prime Minister's carcade. देश के इतिहास में यादगार पल आजादी के 75 वर्ष पूरा होने पर अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है और आगमन हो रहा है दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का। भारत का ये गौरवशाली अवसर और लाल किले के दक्षिणी छोर से लाहौरी दरवाजे की ओर बढ़ता प्रधानमंत्री का काफिला। प्रधानमंत्री बापू को श्रद्धांजलि अर्पित करने के पश्चात यहाँ पधार रहे हैं। लाल किले के लाहौरी गेट पर प्रधानमंत्री की अगवानी रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह, रक्षा राज्य मंत्री श्री अजय भट्ट और रक्षा सचिव डॉक्टर अजय कुमार करेंगे। इसके बाद रक्षा सचिव प्रधानमंत्री का परिचय दिल्ली क्षेत्र के जनरल ऑफिसर कमांडिंग लेफ्टिनेंट जनरल विजय कुमार मिश्रा से करवाएंगे। दिल्ली क्षेत्र के जनरल ऑफिसर कमांडिंग प्रधानमंत्री को सलामी मंच की ओर ले जाएंगे, जहां अंतर सेना और दिल्ली पहुंचेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी सम्मान गारद का निरीक्षण करेंगे। आगमन हो रहा है लाल किले की प्राचीर के नजदीक माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का। The Prime Minister's Guard of Honour assembled here just outside the Lahori Gate as the Prime Minister arrives here. माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का आगमन, उनकी अगवानी की रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह, रक्षा राज्य मंत्री श्री अजय भट्ट, रक्षा सचिव डॉक्टर अजय कुमार। Inspection starts. The band positioned there will strike up a slow march. Past can give us context and inspiration that we can sow the seeds. करने के बाद लाहौरी दरवाजे से अब लाल किले की प्राचीर की ओर अग्रसर और आज के स्वागत में कर प्राचीर पर पहुंचने के And as the operation and eager anticipation पड़ी पर बनी है for his speech.
Wing Commander TVR Singh, the Guard Commander of the National Flag Guard. और आकाश में ही 17 हेलीकॉप्टर्स कार्यक्रम स्थल के नजदीक आते हुए और पुष्प वर्षा कर रहे हैं आकाश से। छिहत्तरवें स्वतंत्रता दिवस समारोह को एक नई ऊंचाई प्रदान करते हुए ये क्षण और उनके पीछे पूर्ण होने पर देशवासियों को अनेक अनेक शुभकामनाएं।